हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अरुला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 7 की वर्कशीट 18 इंग्लिश मीडियम इन मे। ठीक है, डेट है, इस वर्कशीट की डेट है 16 सितंबर 2021। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, मैनी फंजाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड। हम जानते हैं बहुत सारे फंजाई जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, और इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग चीजों से अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सम एनिमल्स डू नॉट हैव माउथ। कई एनिमल्स में तो माउथ नहीं होता है। ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स। ना ही वो ग्रीन प्लांट की तरह होते हैं, और उनमें क्लोरोफिल की भी कमी होती है। कैन नॉट प्रिपेयर फूड, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे ग्रीन प्लांट की तरह नहीं होते, अपना खाना नहीं बनाते हैं, तो फिर ये डिपेंड किस पे होते हैं? ये सब के सब इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड होते हैं प्लांट्स। हम सभी प्लांट्स पर डिपेंड है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव। इनको किस तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, और ये न्यूट्रिशन उन्हें कहाँ से मिलता है? दीज ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड। देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है डेड चीजों से और डिकेइंग मैटर से, जो चीज डिके होती है, सड़ती गलती है, उनसे अपना खाना लेते हैं, जैसे कि मशरूम और यीस्ट। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड चीजें, देख रहे हैं ना आप, ये सड़ी गली चीजों पे ये मशरूम पैदा होते हैं, और ये देखिए फंगस लग गया है। ठीक है, तो जब रेनी सीजन आपने जाना हो, उसमें फंगस जो है स्पॉइल कर देता है कई चीजों को, जैसे लेदर की चीजों को, क्लॉथ को, लेदर के पिकल्स में भी फंगस लग जाता है कई बार। तो और व्हेन दीज आर्टिकल आर लेफ्ट इन हॉट, जैसे इसे हॉट और ह्यूमिड में रखेंगे तो वो तो ठीक हो जाएंगे हैं, हॉट में, लेकिन ह्यूमिड अगर होगा तो ये सारा का सारा जो है इस पर डेड जो डिकिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो इन चीजों से अपना फूड लेते हैं, वो इनके पनपने लग जाते हैं। तो हमने क्या जाना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड चीजों से, डिके मैटर से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मशरूम, यीस्ट, ठीक है, फफूंदी बोलते हैं इसे। राइट द नेम ऑफ सम यूजफुल फंजाई। कुछ यूजफुल, राइट नेम्स ऑफ सम यूजफुल फंजाई जो यूजफुल है, जैसे कि मशरूम है, देखते हैं आप उसको खाना में यूज होते हैं, तो ये यूजफुल है। और यीस्ट है, यीस्ट का भी यूज होता है, ठीक है, अल्कोहल वगैरह बनाने में। राइट सम वेज इन विच फंजाई आर हार्मफुल। कैसे ये हार्मफुल है तो बताएंगे कि इट स्पॉइल्स आवर लेदर शूज एंड क्लॉथ। कपड़ों को खराब कर देता है, है ना। और क्या करता है, हमने पढ़ा था अचार को, है ना, इट स्पॉइल्स पिकल्स। तो ये है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पर ये सारा आंसर लिखा हुआ है। इसके अलावा बताइएगा किस प्रकार से ये हार्मफुल है, कोई एक सजेशन आप बताइएगा, कहीं अगर आपने पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, फिर मिलते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।